नमस्कार दोस्तों, आए दिन हम ग्रामीण इलाकों में पानी में डूबने से मामले सामने आते हैं। ऐसे ही मामला एक बाड़मेर जिले के दरुड़ा गांव से सामने आया है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना अंतर्गत दरुड़ा गांव में एक महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना मंगलवार देर शाम की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बता दूं कि आपको, ग्रामीण थाना पुलिस के अनुसार दरुड़ा गांव निवासी लच्छी देवी पत्नी नक्ताराम उम्र 41 साल टैंक से पानी भर रही थी। इस दौरान अचानक से उसका पैर फिसल गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और क्या कहना है पुलिस प्रशासन का वह भी सुन लीजिए। मामला था, किस प्रकार से सूचना मिली और क्या? कल हमारे को इतला मिली कि दरुड़ा गांव में एक महिला टांके में गिरने से मृत्यु हो गई है, जिस पर थानाधिकारी सवेद मौका पे पहुंचे। महिला की लाश टांके से बाहर निकाल कर रखी हुई थी और एसएसओ द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। बॉडी को मोर्चरी रूम लेके आए। आज बाद मौका कार्रवाई के पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश सुपुर्द की जाएगी। मृतका का नाम है लच्छी देवी पत्नी नक्ताराम, जाति मेघवाल निवासी दरुड़ा, उम्र 41 साल है। विवाह हुए को 27 साल हुए हैं और पानी भरते समय टांके में गिरने से मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम कराया गया, जैसी पोस्टमार्टम में आएगी रिपोर्ट कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने क्या रिपोर्ट दी? परिजनों ने क्या, टांके में पानी भरते समय गिरने से मृत्यु हुई है।